इस खंजूर के नीचे जड़ों से ये पानी निकल रहा है, जो कि कहते हैं कि ये शफा वाला पानी है और जिसको शुगर का मर्ज हो। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं आ चुका हूँ अपने गाँव में। ये है मेरा प्यारा सा गाँव और ये जो जिस जगह पर अभी खड़ा हूँ ये मेरा घर है। तो आप देखें कैसा घर है मेरा गांव का। ये सारा मेरा घर है, यहाँ से लेके वो सामने से ये इतना बड़ा मेरा घर है। और हमने रखी हुई हैं कुछ गायें, आपको दिखाते हैं। ये जो हैं ये दोनों कज़न्स हैं आपस में और ये जो हैं ये दोनों आपस में बहनें हैं। ये थी हमारी गायें। और मेरे घर के चारों तरफ इस टाइम जो है गंदम उग रही है, बिल्कुल चारों तरफ जो है गंदम है। और ये है प्यारा सा मेरा घर, देखें आप, ये इतना बड़ा सारा है। और अभी आपको लेके चलता हूँ छत पर और दिखाता हूँ चारों तरफ के क्या क्या है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस घर के छत पे, छत के ऊपर हैं अभी। और ये देखें आप, चारों तरफ गंदम है। इधर धूप बहुत तेज़ है, आंखों में पड़ रही है। और साथ इसी घर के पास ही है बिल्कुल रोड, गाड़ियां आ जा रही हैं। ये रोड जाके अटैच होता है चक्री इंटरचेंज पे। अगर आप लोग पिंडी से हैं तो आप लोग यकीनन इस रोड को जानते होंगे। और आपको बताता चलूं कि ये वही गांव है जहां पर मैंने अपना बचपन गुजारा है। तकरीबन 15 साल मैं इस गांव में रहा हूं और मैट्रिक मैंने इसी गांव से क्लियर किया है। और वो जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, बड़ा सारा पहाड़ है जो बिल्कुल सामने, पता नहीं अभी आपको नज़र आ रहा होगा नहीं, जूम कर रहा हूं। हर संडे जब भी स्कूल से छुट्टी होती थी तो इस पहाड़ के ऊपर जाते थे हम लोग और लकड़ियां लेके आते थे। और ये सारी लकड़ियाँ जो हैं यूज़ करते थे हम लोग चूल्हा जलाने के लिए और ऊपर खाना वगैरह पकता था। सो गाइज, ये था मेरा प्यारा सा घर, तो अभी आपको लेके चलते हैं नीचे एक और जगह पे। सो सी यू गाइज ऑन अनदर साइड। आजो 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 आगे आजो 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 आजो, आजो, आजो। जल्दी हो। ऑलराइट गाइज, सो अभी मैं आ चुका हूँ एक और जगह पर, ये भी बहुत प्यारी जगह है। इसको यहाँ पे हम लोगों ने सब्जियाँ वगैरह लगा रखी हैं, काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं। आप चेक करें, सबसे पहले आप ये चेक करें कुआँ, ये होता है कुआं, इसके अंदर से निकालते हैं सारा पानी। और ये जो डिब्बे से बने हुए हैं ये नीचे जाते हैं और वहाँ से इसके भर के आते हैं वापस, और यूँ इस साइड से जो है पानी नीचे की तरफ बहता है। और इस साइड इसके साथ ये लगा हुआ है, इसको ये जो लकड़ है ये वाली, इसको धक्का लगाते हैं और ये सारे डिब्बे जो हैं नीचे जाते हैं और पानी यहाँ से बाहर आता है। तो आगे आपको दिखाते हैं, ये सारी जगह हमारी अपनी है। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है, पालक लगी हुई है इधर, ये काफ़ी सारी जगह, जितनी भी जगह यहाँ पे सब्ज़ी है। इस साइड पे धनिया वगैरह लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारी मूलियाँ वगैरह लगी हुई हैं। और इस साइड पे जो है चिकंदर लगे हुए हैं सारे, ये सारे आप जहाँ तक देख पा रहे हैं आगे ये फुल चिकंदर लगे हुए हैं। आपको यहाँ से निकाल के दिखाते हैं अभी एक आध, ये आप देख सकते हैं नीचे, ये छोटे छोटे हैं अभी यहाँ पर ये वाले। और यहाँ से कुछ देख के निकालते हैं बड़ा सारा। सो आप देखें ये यहाँ पे चिकंदर लगे हुए हैं, ये इस किस्म के होते हैं, ये देखें, ये है जी चिकंदर। आप लोग जो सलाद में यूज़ करते हैं ये यहीं से जाते हैं, ये जितनी भी सब्ज़ी है ये यहाँ से निकालते हैं और इसको इस जगह पर धोते हैं। ये देखें चिकंदर इज़ रेडी गाइस, यू वांट सम चिकंदर? ओके, सो ये है हमारा चिकंदर है, ये अभी मिट्टी लगी हुई है इसके साथ, इसको मैंने इधर ही रख दिया। अ क्विक चेंज ऑफ लोकेशन, अभी मैं एक छोटे से जंगल में आ गया हूँ। ये आप देखें जंगल, पहले
फिर आपको एक यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये साथ ही बिल्कुल इसके रोड जा रही है ऊपर, और ये सीढ़ियाँ सी काइंड ऑफ बनी हुई हैं। इधर से नीचे जाते हैं, आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाते हैं। ये पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े, इधर पहाड़ बना हुआ है पूरा, और यहाँ पर एक खंजूर का दरख्त है। सारा कमाल इस खंजूर के दरख्त का ही है। इधर ये अभी पहुँच गया हूँ मैं। इधर ये जो आप दरख्त देख रहे हैं खंजूर का, इस खंजूर के नीचे जड़ों से ये पानी निकल रहा है, जो कि कहते हैं कि ये शफा वाला पानी है, और जिसको शुगर का मर्ज़ हो, ये इसके अंदर मेंढक एक पड़ा हुआ है, जिसको शुगर का मर्ज़ हो वो ये पानी पीता है तो ठीक हो जाता है। अब मुझे इस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं पता, मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कंफर्म जो है वो नहीं पता है। बाकी जो लोग कहते हैं उसके बारे में तो यही है कि इस जगह पे जो है शफा वाला पानी है। और ये इधर छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि जूते उतार के आगे जाएँ और इस जगह का एहतराम करें। ये आप देख सकते हैं। सो मैंने सोचा कि ये जगह आपको लाजमी दिखा दूं। बाकी मैं अपना व्लॉग इधर ही एंड करता हूं अभी। ये व्लॉग तो नहीं था इतना ख़ास, लेकिन मैं गांव में ज़रूरी काम से आया था, सो सोचा कि आपको कुछ यूनिक चीज़ें जो हैं गांव में मेरे जो मेरी हैं तो वो दिखा दूं आपको। तो अपना व्लॉग मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। बाकी अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं, सारी प्लानिंग कम्प्लीट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। बाकी अपनी कोई सजेशन हो तो वो लाजमी मुझे बताना। सो सी यू गाइस टुमारो विद अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।